हेलो 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 हेलो, ये टॉर्च है और ये हमारा माइक है। आज साउथ रीजन दिल के आई एम आई मीन हिसार में है और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है यहाँ से, और टॉर्च उनका निशान है, ये देखो जलती भी है ये। और यहाँ पे एक छोटी सी सभा है उनकी हिसार में, हम रिकॉर्ड करने आए हैं, चिलपुल करने आए हैं, उनके साथ बैठेंगे उनकी गाड़ी में और बात करेंगे क्या उनका विजन है। विजन नहीं भाई, वो देश की सबसे अमीर लेडी है और वर्ल्ड की 7th रिचेस्ट लेडी भी रह चुकी है। वो नवीन जिंदल की मदर है, वो जिंदल इंडस्ट्रीज और इन सब जो जिंदल ग्रुप है उनकी चेयरमैन है वो, और अब MLA के लिए चुनाव लड़ रही है इंडिपेंडेंट। और लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, शायद कांग्रेस ने भी नहीं दिया। उनके जो बेटे हैं नवीन, वो भाई अभी MPM, और धूप बहुत तेज हो रही है। गाड़ी के अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं। ये मेरे हाथ में टॉर्च है और बड़ा ही आपको मैम ऑन भी हो रहा है तो, और बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल, मैम बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल मिला आपका तो। हाँ जी, अलग जगाने का, अंधेरे को दूर करने का, बिल्कुल अंधेरे को दूर करने का, प्रकाश फैलाने का। तो ये कैसे मूड बना चुनाव लड़ने का आपकी बार? बस अब क्या, मेरी हिसार की जनता ने मुझे कहा, मेरे हिसार परिवार ने कि चुनाव लड़ना है, अब क्या हम लोग जरूर, तो मेरा भी मन यही किया कि मैं चुनाव लड़ूं और अपनी जनता की मतलब हिसार परिवार की सेवा करूँ, इसीलिए मैं चुनावी मैदान में कूद पड़ी। अच्छा, तो अभी कैसा कैंपेन चल रहा है, डोर टू डोर आप जा रहे हो? आप तो लाल हो गए देखो पसीने से गर्मी में। डोर टू डोर तो मैं नहीं जा रही हूँ, मैं तो जिससे इकट्ठे हो जाते हैं लोग उसमें मैं आ जाती हूँ। डोर टू डोर हिसार परिवार के बच्चे सारे अपने आप ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, उसमें मुझे डोर टू डोर नहीं जाना पड़ रहा है। ओके, बच्चों से ज्यादा है, नवीन भी आ रहे हैं आपके सपोर्ट के लिए? नवीन देखिए पार्टी से बंधा हुआ है, उसको जो उसकी पार्टी आदेश देगी नवीन वही करेगा। ओके, बाकी मेरे सब बाकी सब लोग आए हुए हैं यहाँ। तो चुनाव लड़ने से पहले तो आपने सलाह मशवरा तो परिवार में हुआ ही होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कोई गलत समझेगा कि भाई ये तो बगावत है क्या है? नहीं, बगावत वाली कोई भी बात नहीं है। मेरे बच्चे किसी ने भी कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरा मन था तो सब कोई को जिससे मैंने जो कहा हो किसी ने उसके बदले में कुछ भी नहीं कहा, ठीक है जो मम्मी बोलती है ठीक। ओके, तो ये बीजेपी या कांग्रेस ने आपके बार आपको टिकट दी नहीं, आपने कोशिश नहीं की? हमारी कोई कोशिश भी नहीं थी, और मेरे हिसार परिवार का यही था कि हमें इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। ओके, पार्टी से तो आदमी बन जाता है, तो इंडिपेंडेंट लड़ने का इनका मन था हिसार परिवार का कि चुनाव जरूर लड़ना है। तो आपने डिसाइड कर लिया है। पर मैम, जैसे आपने घोषणा पत्र अभी प्रदर्शित किया है लोगों के लिए कि भाई ये हम चीज़ें करेंगे, और उस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए किसी पार्टी की तो सपोर्ट ही होगी आपको? देखिए, जब मैं हिसार से अगर बहुत अच्छे मतों से जीत जाती हूँ तो फिर मैं अपनी आवाज़ को जोर शोर से उठा सकती हूँ, और ये सारी की सारी जो उसके अंदर लिखी गई हैं वो सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। मूलभूत सुविधाएं पर सबका अधिकार है, वो सबको मिलनी चाहिए, और वैसे भी मूलभूत सुविधाएं तो कोई भी सरकार कोई भी मना नहीं करेगी। मैम, इतने साल से आप की फैमिली चुनाव लड़ रही है, अभी तक ये बेसिक सुविधाएं क्यों नहीं मिली हिसार को? ये मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ही क्यों चुनाव होते हैं हर बार? देखिए, 10 साल पहले जब मैं थी तो उसमें सीवरेज लाइन वगैरह सब डलवाई गई थी, तो वो सब अब छोटी पड़ गई क्योंकि हिसार बहुत बढ़ गया, तो उस वजह से अब लाइन बड़ी डालने की ज़रूरत है। ओके, तो और चीज़ को देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसको दोबारा दोबारा ठीक तो करना ही पड़ता है, तो वही चीज़ है कि दोबारा से सब करने की ज़रूरत आ गई है। तो आपका विजन क्या रहेगा मैम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कि भाई ये चीज हिसार के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दूर सबको ठीक करवाऊं, सबको मूलभूत सुविधाएं मिले, और हमारा हिसार बहुत सुंदर और विकसित प्रदेश मतलब शहर हो। ओके मैम, चुनाव के बाद में अगर आप जीतते हैं तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर जिसकी सरकार आएगी उसके साथ जाएंगे? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ भी ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है, और बाकी जो फिर मेरे हिसार परिवार वाले कहेंगे और जो प्रभु इच्छा होगी वही होगा। अच्छा, आप प्रभु में मानते हैं, रिलीजियस हैं आप काफी? प्रभु को तो मानती हूँ, बिना उसके तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, सब कुछ करने वाले तो वही होते हैं। ओके, तो सो मैम, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम हिसार से आ रहे थे, एंटर कर रहे थे, तो बड़े गड्ढे भी हैं, बड़ी वहाँ पे गंदगी भी है, और मतलब हर बार बड़े बड़े वादे भी होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो चाहे फिर ये असेंबली का चुनाव हो, पर मतलब स्थिति जो है वो बदलती नहीं है। तो इस बार आप पे क्यों ट्रस्ट करें लोग, आप भी वही चीज़ें दोहरा रहे हैं? मैं जब देखिए, जब भी मैंने काम, मैं पीछे 10 साल रही यहाँ पर, तो जो मैंने वादा किया वो उसको पूरा किया है, कभी भी मतलब झूठ नहीं बोलती, न वादा करके और उससे मुकरती भी नहीं हूँ, जैसे सबको मालूम है कि जो वादे करेगी उसको पूरे करेगी। मैम, गैप नहीं आ गया है एक
आपके कनेक्ट का पिछले 10 साल से गैप आ गया, लेकिन मैं पॉलिटिक्स वैसे गैप आ गया, मैं अपने हिसार के लोगों से हरदम मिलती जुलती रही हूँ क्योंकि हिसार मेरा घर है, यहाँ के लोग सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मैं बराबर हिसार आती रही हूँ, हर हफ्ते में 10वें दिन में आती रही हूँ और मैं लोगों से मिलती रही हूँ। लोगों को भी था कि आप आ जाओगे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ओके, जैसे आप एक स्पीच में भी कह रहे थे कि जिंदल साहब के जाने के बाद आपने पॉलिटिक्स में एंटर किया, और मतलब बिल्कुल उससे पहले तो मैं हाउसवाइफ थी और उनके जाने के बाद ही मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा, लेकिन मेरे हिसार के लोगों ने मुझे इतना प्यार समर्थन दिया ना जी कि उसके बाद मुझे लगने लगा कि अब जिससे इन्होंने कहा कि फिर से चुनाव में आ जाओ, तो मैं उनके कहने से ही चुनाव मैदान में आ गई। तो आपका टाइम भी इन्वेस्ट होता रहता है लोगों के साथ में मिलजुल कर? हाँ, सभी लोग, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो मेरे पास दो चार लोग ही मिलने के लिए आते हैं, इसमें पूरे शहर के लोग मेरे पास आ सकते हैं जिसको भी कोई तकलीफ हो, तो मैं उसको दूर अगर कर सकी तो मुझे बहुत खुशी होती है। ओके मैम, आप तो उस लेवल पे हैं कि आप तो इंडिविजुअल लेवल पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। देखिए उसके अंदर क्या है कि जब पॉलिटिक्स में आप नहीं होते तो आपके पास उतने लोग नहीं आएंगे, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है, इसके अंदर सारे लोग आपको जानते हैं और सारे लोग आपको अपना भी समझते हैं, नहीं तो कुछ लोग जो आपके अपने हैं सिर्फ वही आएंगे आपके पास, और पॉलिटिक्स की वजह से सब लोग आ जाएंगे, उनको यही लगता है कि हमारी अपनी है हमें इनके पास जाके बोलना चाहिए, तो एक ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके अंदर कि हम ज़्यादा जनसेवा कर सकते हैं। ओके मैम, जैसे इंडस्ट्री और आपका जो रेनाउंड एक स्टेचर है, तो कैसा फील होता है देश की सबसे पैसे वाली महिला होने में, कैसा फील होता है कि वो इतने पैसे मेरे पास? इसकी देखिए कोई बात नहीं होती, मुझे मालूम है कि शुरू में जैसे मेरे हस्बैंड जिंदल साहब बहुत काम करते थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाया, उसके बाद मेरे बेटे भी सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो बच्चों पे प्राउड होता है, फिर सब भगवान की कृपा है कि उन्होंने इतना आशीर्वाद अपना दे रखा है प्रभु ने। मैम जब आप अपना स्टार्टिंग का जीवन देखते हैं और तब से लेके अब तक, मतलब वो कंप्लीट चेंज है एक पूरा का पूरा, तो कैसा, क्या सोचते हैं आपकी, क्या दिमाग में आता है कि वो फ्लैशबैक जब करते हैं कि भाई हम कहाँ से और कहाँ पहुँच गए हैं? क्योंकि मैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रभु का आशीर्वाद मानती हूँ, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और जिंदल साहब ने और मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की, तो उसी का परिणाम है कि हमें सारी सुख सुविधाएँ मिली हुई हैं, तो प्रभु का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है जी। ओके, और वो जिस पर उसकी मेहरबानी हो जाए तो फिर ठीक है। तो आप तो बहुत सिंपल हैं, पैसे ने आपको वो नहीं किया कि चलो थोड़ा सा गुरूर? पैसे का गुरूर किस बात का? अच्छा अच्छा, दिया हुआ तो प्रभु का ही है। अच्छा अच्छा मैम, एक चीज और है कि जैसे टिकट की बात हो रही थी, तो हुड्डा साहब से बात नहीं हुई आपकी कांग्रेस की टिकट के लिए, क्योंकि आप तो मंत्री रहे हैं? हाँ मंत्री रही हूँ, लेकिन कोई बात ऐसी हुई नहीं, बस सोचा, बस यही सोचा हुआ था कि जरूर चुनाव जरूर लड़ना है, अगर टिकट मिलती है तो टिकट से, और नहीं तो फिर इशार परिवार ने यही कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी मैम, आपको नहीं लगता कोई पार्टी का सिंबल होता तो कम से कम उनके 10-15 हज़ार बंधे हुए वोट होते, तो आपको जीतने में आसानी होती? इससे मैं, मेरा पूरा हिसार परिवार मेरे साथ है, पूरे हिसार के वोट और पार्टी के वोट में आप अंदाज लगा लो कि क्या फर्क हो सकता है, हिसार मेरे, पूरा हिसार मेरे साथ है जी। पर मैम हिसार में एक चीज़ ये भी है कि अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स आते रहे हैं, आपका जैसे हम बात कर रहे थे कि पिछले 10 साल का एक गैप भी आया है, तो उसको आप किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, किस तरीके से आप वो दोबारा कनेक्ट बिल्डअप कर रहे हैं लोगों के साथ में? मैंने आपको बताया ना कि मैं जब भी सार आती थी हफ्ते में या 10वें दिन, तो सारे लोग मेरे से मिलने आ जाते थे, तो मेरा किसी से भी कनेक्शन टूटा नहीं, उसी तरह से है। अच्छा अच्छा, तो और दिवाली पे हम लोग सब यहाँ इकट्ठे होते हैं हर दिवाली पर, तब भी सब लोगों से मिलते हैं, तो आपस में कनेक्शन तो वही रहा। ओके मैम, एक प्रदेश में पूरी की पूरी कांग्रेस की वेव चल रही है और लग ये भी रहा है कि उनकी बढ़त है और वो चुनाव जीत जाएंगे, आपको भी ऐसा ही लग रहा है? ठीक है, अच्छा तो चल रहा है और अच्छा होगा भी, वही फिर वही आगे बात आप कहेंगे। भगवान की कृपा होनी चाहिए, वो जिस पे कृपा करेंगे वो एक तरफा होगा उनका। आपके अलावा आपको कौन लगता है कि वही किसकी सरकार बनी, कौन कौन जीत रहा है हरियाणा में, कौन इन द सेंस की किसकी सरकार? मैं तो अपने लिए लगी हुई हूँ कि मुझे मेरा चुनाव जीतना है बहुत भारी मतों से, और बाकी के लिए अभी मैं कहीं, हम लोग देख नहीं रहे कि कौन जीत रहा है क्या हो रहा है। नहीं तो मैम, अगर ऐसा नहीं होगा कि आप सरकार बनते ही आप किसी के साथ जुड़ेंगी, अगर आप MLA बनते हैं तो, और हो सकता है वो कांग्रेस भी हो,
क्योंकि राजीव गांधी के टाइम से लेकर अब तक आपका परिवार एसोसिएटेड रहा है, जिंदल साहब की फोटो भी है आपके घर में, जिंदल साहब की और राजीव गांधी की, तो कांग्रेस तो आपका पुराना घर है एक तरीके से। इसके अंदर यही है कि देखिए जीतने के बाद क्या होगा, अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा अच्छा, उस समय जो होगा देखी जाएगी। ओके, तो मैम सुबह कितने बजे निकलते हो आप कैंपेन के लिए? मैं सुबह 9 बजे निकलती हूँ। और रात को 12-1 बजे? नहीं, 9 या 10 बजे तक। 9-10 बजे तक तो थकते नहीं हो आप पूरा? देखिए मैंने आपको बताया कि हिसार मेरा परिवार है। अच्छा, जब अपने परिवार के लोगों से आप मिलते हो तो आपको खुशी मिलती है, उसमें थकान का कहीं कोई सब नहीं होता। अच्छा अच्छा, आपको पैदल चलना पड़े, कुछ और करना पड़े तो शायद थकान होती होगी, या आप कहीं जाओ तो आपको मतलब रिस्पॉन्स ना मिले अच्छा, तब आपको खुशी नहीं होती। यहाँ मैं जाती हूँ तो सब एकदम मतलब प्यार से उमड़ के आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आ गई, तो थकान सारी गायब हो जाती है। मैम इतना प्यार लोग आपसे करते हैं जब आप पहुंचते हो, जैसे आप बता रहे हैं, तो लोग कुछ शिकायत भी करते होंगे, कुछ इश्यूज भी बताते होंगे कि हमारे यो को नहीं, या यो करा दिए, तू बनाएगी जब न्यू कर दिए तो वो और स्पेशली महिलाएं आपसे कनेक्ट करती है, तो वो क्या क्या इश्यूज बताते हैं? इतनी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि सभी को जैसे लगता है कि हमारी मूलभूत सुविधाएं ठीक होनी चाहिए, तो उसके लिए सब बोलती हैं, तो कहती हैं कि मालूम है हमें कि आप आ जाओगे तो आगे करवा दोगे, इतना उनको विश्वास भी है मेरे ऊपर, एक फेथ बिल्कुल जी पूरा का पूरा। बिल्कुल, आप मिस नहीं कर रहे आप अपने बेटे नवीन को चुनाव के लिए, या वो सिर्फ पर्दे के पीछे से मैनेज कर रहे हैं सब कुछ? नहीं देखिए मिस करती हूँ, लेकिन यहाँ पर सारे मेरे इशार के बेटे लगे हुए हैं, मेरा बड़ा बेटा भी आया हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं, तो मुझे सुबह से मैं जब निकल जाती हूँ तो रात को लेट पहुँचती हूँ, आके मैं अपना सो जाती हूँ, सुबह फिर निकल जाती हूँ, तो इतना नहीं, वो भी अपने काम में लगा हुआ होगा जरूर। हाँ, जैसे आपके ओपोनेंट हैं कमल गुप्ता जी हैं, और जो दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो सब ये कहते हैं कि वो तो बड़े लोग हैं, और उन्होंने वो तो एक राजघराना है, चुनावी राजघराना, वो तो लड़ते आए हैं, हम आपके पास के लोग हैं, तो ऐसी बातें भी होती हैं। मैम देखिए बात करने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जितना पास के वो लोग बताते हैं उससे ज़्यादा पास की मैं सबकी हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो आप जनता के बीच में कितना जाते हैं, जनता आपको कितना प्यार करती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या लग रहा है कितने मार्जिन से आप जीत जाओगे? अभी ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सोचा, बस यही है कि चुनाव जीतना है बहुत भारी मतों से। आपको टक्कर किससे लग रही है आपको, बीजेपी या कांग्रेस या फिर किसी और से? मुझे टक्कर किसी से नहीं लग रही, फिर भी कोई तो रहेगा सेकंड पे। वो तो जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। हम लोग का यही है कि सब मिलके, मतलब मेरे साथ तो मेरे पूरे सारे परिवार के लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं उनको बोलती भी हूँ कि चुनाव जो है मेरा नहीं, आप लोगों का चुनाव है, तो आप लोग चुनाव लड़िए, मैं तो सिर्फ अपना एक मत डाल दूंगी आपको, तो वो लोग लड़ रहे हैं चुनाव। मैम आपने जब स्टार्टिंग में आप हिसार पहुंचे 10-15 दिन पहले चुनाव लड़ने के लिए, तो आपने एक बात कही थी कि मैं जिंदल साहब के अधूरे जो काम रह गए थे उन कामों को पूरा करने के लिए। जिंदल साहब हिसार को बहुत साफ सुथरा और सुंदर देखना चाहते थे, तो वो फिर से वापस जिससे साफ सुथरा और सुंदर नहीं है, तो उसको मैं उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए सबके बीच में हूँ, और सब लोग इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। मैम जिंदल साहब की मेमोरीज हैं, और 2005 के बाद तो जिंदगी पूरी ही एक तरीके से आपकी चेंज हो गई है। हाँ जी, पहले तो मैं बिल्कुल हाउसवाइफ थी, घर में रहती थी, और उनके साथ कहीं जाना होता तो जाती थी, करती थी, वैसे कुछ नहीं करती थी। उनके बाद जाने के बाद मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा, और वो भी मैं सार की जनता के लिए, उनके कहने पर ही, उन्होंने तब कहा था कि हम लोग साथ देंगे, आप आइए और मिलकर काम करेंगे, तब भी मेरा सार की जनता ने बहुत साथ दिया, और आज भी वो उसी तरह से साथ दे रहे हैं। ओके, सो एज ए मैम, एज ए चेयरपर्सन जिंदल ग्रुप के, आप मीटिंग्स वगैरह में आजकल इन्वॉल्व रहते हैं या कि भाई नहीं? नहीं, आजकल मैं कोई मीटिंग्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हूँ। चुनाव से पहले तो आप? चुनाव से पहले कभी कभी बोर्ड मीटिंग वगैरह होती थी तो मैं अटेंड करती थी। ओके, अदरवाइज मेरा सारा काम मेरे बेटे करते हैं, मैं कुछ नहीं करती। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा बहुत तो डायरेक्शन करते हैं कि न्यू कर लियो। आप घर में हरियाणा में बात करते हैं हिंदी में? नहीं, घर में भी हिंदी में करते हैं। अच्छा, कभी कभी हरियाणा में भी हो जाते हैं, ज़्यादातर हिंदी में ही होती है। ओके ओके, सो मैम ऑलमोस्ट हमारा इंटरव्यू खत्म होने पर आ रहा है, आप कुछ क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप टोर्स अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए, और वोट सबको डालना चाहिए, वोट डालना हमारा अधिकार है, और
उसके बाद एक बात और भी कहूँगी कि आप टॉर्च के सामने वाला बटन दबाकर वोट दीजिए, जिससे जो वोट है वो आपका मुझे मिलेगा और मेरे साथ साथ मेरे पूरे साथ परिवार की जीत होगी। तो आप अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जरूर वोट कीजिए और टॉर्च के सामने वाला बटन दबाइए। ओके, थैंक यू। ऑलरेडी आप इतने स्वीट और सिंपल और प्यारे हो, लोग आपको वोट क्यों नहीं देंगे। सो थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ थे सावित्री जिंदल मैम और हम आज हिसार में चिलपिल कर रहे थे इनके साथ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सो अभी हमने मैम से बात करी और ये ड्राइवर भैया ये बोल रहे मेरी फोटो आई कि नहीं आई है। एक इनकी फोटो दिखा दे भाई प्लीज। कैसे हो भैया? कैसा लग रहा है? थके थकते नहीं क्या पूरे दिन? हाँ। अच्छा, तो एमएलए वाले बनने के बाद आपको तो मजे ही मजे है या पहले से ही मजे ही मजे? मजे लूटते हुए हैं। ठीक है, तो आप 28 साल से साथ हो मैम के, तो लाइफ अच्छे कट रहे हैं आपके? पैसे वैसे कितने मिल जाए? चलो थैंक यू सो मच। ठीक है ओके।